हेलो डियर फ्रेंड, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन नंबर 49 सेट बी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी रो हैज मास एम एंड रेडियस आर। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर अपॉन टू फ्रॉम द सेंटर एंड इट्स सर्फेस। तो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई स्फेरिकल स्फेयर है लेकिन ये सॉलिड है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह से हमारा कोई स्फेयर है और ये सॉलिड है। ओके, और इस स्फेयर के सरफेस पर, इस स्फेयर के सरफेस पर, और पहले मैं सरफेस को डिनोट कर देता हूँ। मान लीजिए हम इस तरह से, ये सरफेस पॉइंट हो गया, यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है और एक पॉइंट है यहाँ से r/2 दूरी पर। मान लीजिए यहाँ पर r, इसका कैपिटल r जो है वो है रेडियस, और ये डिस्टेंस हो जाएगा r/2, और ये पॉइंट P दे रखा है और ये हो जाएगा सरफेस पे। तो मैं इसको Vs से डिनोट करूंगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पर, मैं इसको डिनोट करूंगा Vp से। तो हमें फाइंड करना है Vp माइनस Vs, हमें फाइंड करना है Vp माइनस Vs, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P जब डिस्टेंस r/2 है माइनस पोटेंशियल एट द सरफेस। तो देखो, जब भी सॉलिड स्फेयर की बात है तो आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालने के लिए। वी जी इक्वल टू माइनस के, एक मिनट, वी जी इक्वल टू माइनस जी जी एम अपॉन 2r³ मल्टीप्लाई में 3r² माइनस r² तो देखो, r जो यहाँ पर r है, कैपिटल r, वो तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस, और स्मॉल r है डिस्टेंस। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी जहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो। तो अगर मैं वी एस की बात करूं, यानी कि अगर मैं सरफेस पर पोटेंशियल निकालूं, तो सरफेस के लिए जो आर की वैल्यू होगी, स्मॉल आर की वैल्यू, वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। जो इस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो आर के ही तो बराबर होगा। तो अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो फॉर्मूला, मतलब जो आएगा हमारा जी एम अपॉन 2r³ फिर 3r² माइनस यहाँ पर आ जाएगा r² तो 3 में से 1 जाएगा, तो 1 यहाँ पर बचेगा 2 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ ऐसे, जी एम अपॉन 2r³ और यहाँ बचेगा 2r², तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस के जी एम अपॉन में r। तो सरफेस पर पोटेंशियल मैंने फाइंड कर लिया है, सरफेस पर पोटेंशियल आएगा माइनस के जी एम अपॉन r। अब निकालते हैं पी पॉइंट पर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो अगर आपको पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना है तो आपको आर की जो वैल्यू है वो कितनी रखनी पड़ेगी, आर अपॉन में 2। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी आ जाएगा माइनस के जी एम अपॉन 2r³ फिर यहाँ पर 3r² माइनस स्मॉल आर, आप कितना रखोगे, ये स्मॉल आर रखना है आपको, आर अपॉन 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस के जी एम अपॉन में 2r³ और यहाँ पर आ जाएगा 3r² माइनस कैपिटल r² अपॉन में 2 2 4। तो आप जब एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो 4 × 3 माइनस 1 आपको करना पड़ेगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस के जी एम अपॉन में 2r³ और माइनस में, देखो तो ये हो गया 12 - 1, यानी कि 11 अपॉन में 4r². ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो 4 × 3 यानी कि 12 में से 12r² में से r² जाएगा, तो 11/4r² आ गया। तो हमने पोटेंशियल पी, पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो आ गया है माइनस के जी एम। अब देखो r³ से r² कैंसिल आउट होगा, तो नीचे सिर्फ r बचेगा, ये आ गया r, और 4 × 2 कितना होता है, 8, और ये आ जाएगा 11, यानी कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए माइनस के 11/8 जी एम अपॉन में आर। वैसे ऑप्शन में देखो तो जिसमें नीचे 8 आ रहा होगा वो आपका सही आंसर होगा, बाकी मैं इसको करके दिखा देता हूँ। हमें निकालना क्या है, वीपी माइनस वीएस निकालना है, तो वीपी माइनस वीएस निकालने के लिए आप इसको यहाँ रख लीजिए, वीपी माइनस वीएस, वीपी की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, ये है वीपी की वैल्यू माइनस के 11/8 जी एम अपॉन में आर फिर माइनस, और वी एस की वैल्यू कितनी आई हमारी, वी एस की वैल्यू माइनस के जी एम अपॉन आर, माइनस के जी एम अपॉन में आर, इसका डिफरेंस लेना है आपको। तो वी पी माइनस वी एस, आप जी एम अपॉन आर को कॉमन ले लो पहले, तो जी एम अपॉन आर, तो यहाँ से बचेगा माइनस के 11/8
और ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के बनाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए इसको, तो 8 ये आ जाएगा, वीपी माइनस वीएस इक्वल टू जीएम अपॉन आर को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, जीएम अपॉन आर। तो देखो ये आएगा माइनस 11 प्लस 8 अपॉन 8, तो माइनस 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस के 3। तो वीपी माइनस वीएस जो हमें चाहिए वो आ जाएगा माइनस के 3 अपॉन 8 जीएम अपॉन में आर। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये तो हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए फाइंड किया है, अगर ऐसे ही कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है और आपको चार्ज दे रखा है इस पर क्यू, और पोटेंशियल निकलवा सकते हैं। बहुत क्वेश्चन में बहुत सी बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। अगर आपको मान लीजिए यही फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगाना है पोटेंशियल के लिए, तो बस आपको जी को चेंज कर देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, के भी लिखते हैं उसको, एम को आप चेंज कर देना क्यू में, तो तब के लिए फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन 2 r³ 3 r² - r² मतलब ऐसा ही फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल फाइंड करने के लिए भी लगा सकते हैं अगर सॉलिड स्फीयर है तो। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती क्या करके आते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। वो कंसिडर कर लेते हैं कि ये तो होलो स्फीयर होगा, मतलब वो इस वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे। अगर ये वर्ड ध्यान से ना पढ़ पाए तो फिर आपको पता है कि होलो के लिए तो फॉर्मूला माइनस के जी एम अपॉन आर होता है, तो वो जल्दबाजी में इसको लगा देते हैं। और बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई अंदर पूरा स्फेयर में कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, मतलब सेम रहेगा पोटेंशियल, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो कुछ बच्चे गलती ये करके आ जाते हैं, तो ऐसा गलती ना करें, ऐसी गलती ना हो, इसके लिए शब्दों को ध्यान से देखना। ये सॉलिड स्फेयर है तो सॉलिड के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।